देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है। खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको बिग ब्लिस। हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। यूक्रेन पर रूस के फिलहाल जारी आक्रमण से भारत के लिए भी अपने गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देने के एक अवसर के रूप में उम्मीद की किरण जगी है। गेहूं के इन दो खपत से ज्यादा उत्पादन करने वाले देशों के बीच का युद्ध अब एक महीने से ज्यादा समय से चल रहा है और इसका कोई अंत भी नजर नहीं आ रहा। नतीजतन इस अनाज की आपूर्ति की लगे झटके ने वैश्विक स्तर पर गेहूं की कीमतों में तेजी ला दी है। ये सभी बातें भारत के पक्ष में काम करती हैं। पिछले 5 वर्षों में औसतन 100 मिलियन टन उत्पादन के साथ भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है, लेकिन एक उच्च घरेलू खपत वाले आधार ने शायद ही कभी इस देश को इस खाद्यान्न का एक बड़ा निर्यातक बनने दिया हो। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार रूस और यूक्रेन कुल मिलाकर कमोबेश उतनी ही मात्रा में गेहूं का उत्पादन करते हैं जितना की भारत, मगर इन देशों की सामूहिक आबादी 1819 करोड़ और भारत की 134 करोड़ की तुलना में 7 गुना कम है, जो उन्हें भारी मात्रा में गेहूं निर्यात करने की सहूलियत देता है। इसलिए गेहूं के अपर्याप्त उत्पादन वाले देश, विशेष रूप से पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के देश, इसके लिए रूस और यूक्रेन पर निर्भर हैं। साल 2019 में रूस का गेहूं निर्यात 8.14 बिलियन मूल्य का था और यूक्रेन ने लगभग 3.11 बिलियन डॉलर का गेहूं निर्यात किया था। कुल मिलाकर इन दो देशों का दुनिया के कुल गेहूं निर्यात में 1/4 हिस्सा था। इस निर्यात का एक बड़ा हिस्सा मिस्र को गया, जिसने रूस के निर्यात का लगभग 31.3% यानी कि 2.55 बिलियन डॉलर और यूक्रेन के निर्यात का 22% यानी 685 मिलियन डॉलर गेहूं आयात किया। ये दोनों देश मिस्र की गेहूं के आयात संबंधी जरूरतों का लगभग 70% भाग पूरा करते हैं और यही वजह है कि वर्तमान संकट ने इस देश को बुरी तरह प्रभावित किया है। मिस्र को अपने खाद्यान्न अनुदान कार्यक्रम, जिसके तहत वे अपने लाखों नागरिकों को लगभग 5.5 बिलियन डॉलर की लागत से सब्सिडी वाला ब्रेड प्रदान करता है, इसको चलाने के लिए भारी मात्रा में गेहूं की आवश्यकता होती है। इस लड़ाई की वजह से इसका खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम अब एक बड़े खतरे में है। इंडोनेशिया, तुर्की, बांग्लादेश, फिलीपींस, ट्यूनीशिया, मोरक्को, बांग्लादेश, यमन, नाइजीरिया और थाईलैंड जैसे अन्य देश भी रूस और यूक्रेन से 100 मिलियन डॉलर से अधिक के मूल्य का गेहूं खरीदते हैं। गेहूं उत्पादन के मामले में एक समृद्ध राष्ट्र होने के बावजूद भारत अभी तक अपनी उपज का केवल 1% निर्यात करता था और वह भी ज्यादातर अपने पड़ोसियों जैसे कि बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात जैसे अन्य देशों को। रूस यूक्रेन युद्ध ने भारत को अपना गेहूं निर्यात बढ़ाने का मौका दिया है, खासकर तब जब फरवरी 2022 तक 24 मैट्रिक टन गेहूं सरकारी भंडारों में पड़ा है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का गेहूं निर्यात एक कड़ी चुनौती वाले बाजार का सामना कर रहा है और इसकी प्रतिस्पर्धा में बने रहने की क्षमता वैश्विक उत्पाद की ऊंची कीमतों पर निर्भर करती है। पूर्व कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सचिव ने कहा कि इस साल हम लोग लगभग 8 से 10 मिलियन टन गेहूं के निर्यात की उम्मीद कर सकते हैं। मुद्रा और कांडला गुजरात में इसके लिए हमारे मुख्य बंदरगाह होंगे। यहां यह ध्यान देने की बात है कि रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने से पहले ही भारत का गेहूं निर्यात पहले की तुलना में बढ़ रहा था। यह कोविड-19 महामारी की वजह से था, जिसने वैश्विक आपूर्ति को सीमित कर दिया था और इसके परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर कीमतें ऊंची हुई थी। वहीं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत ने 2020-21 में लगभग 2 मैट्रिक टन गेहूं का निर्यात किया और चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अप्रैल जनवरी की अवधि में हमारा देश पहले से ही 6 मैट्रिक टन गेहूँ का निर्यात कर चुका था। भारत सरकार किसानों को MSP की पेशकश करती है, जिस पर वह उनका माल लेने का वादा करती है। पहले ये MSP बाजार मूल्य से अधिक हुआ करता थी,
लेकिन जैसा कि जुलाई 2021 में अमेरिकी कृषि विभाग द्वारा प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यापार रिपोर्ट में दावा किया गया था कि वैश्विक स्तर पर इस उत्पाद की कीमतों में हुई हालिया वृद्धि ने भारत को एक प्रतिस्पर्धी आपूर्तिकर्ता बना दिया। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।